पवन रिक्शे पे लेटेगा और उसके बाद में पवन ठंडे संभाल लेना। हाय गाइस, आई एम बैक, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड राइट नाउ इस समय मैं हूँ शूटिंग पे, अपनी एक बहुत ही बढ़िया मेरा भोजपुरी सॉन्ग करने आई हूँ। सो हम लोग तैयार होना शुरू कर रहे हैं, मेरी हेयर ड्रेसर अभी शी इज ऑन द वे, तो तैयार हो वैसा चलने के लिए, मतलब मैं मेरे साथ देखने के लिए, क्योंकि मैं यही हूँ जाना कहीं भी नहीं है, अब मैं ऑलरेडी चांदीवली स्टूडियोज में हूँ। सो आ जाओ। ओके सो मैं इस समय मेरी ऑलरेडी कॉफी तैयार कर दी है नासिर ने, ये रहा मेरा कॉफी का सारा सामान, ऑलरेडी आप ये देख रहे हो मेकअप का। अब मेरी कुछ कॉस्ट्यूम्स का बहुत बड़ा झोल है यहाँ पे, बहुत बड़ा झोल है, तो अभी कॉस्ट्यूम जो ट्राई किया ना तो मैं डर गई हूँ वो कॉस्ट्यूम देख के, तो डरे डरे मैं कॉफी पी रही हूँ। अब वो ऑल्टरेशन के लिए गई है कॉस्ट्यूम, अब मालूम नहीं, हो सकता है सुबह तक वापस आए, गाना खत्म होने के बाद कॉस्ट्यूम आएंगे। ये क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉल मंगा था मैंने, जलजीरा ले आए हैं। तो मेरे को ना थोड़ा सा बुखार सा लग रहा है, आंखें दर्द कर रही है मेरी, तो मेरे लिए दवाई आई है ऑरेंज इलेक्ट्रॉल, आरएस का घोल, ओआरएस, अरे पेट थोड़ी खराब है मेरा, ओआरएस का घोल आया, देखो इलेक्ट्रॉल मंगवाया था, ओआरएस का घोल, कहते हैं बच्चे के और डिहाइड्रेशन हो जाए, डायरिया हो जाए तो ओआरएस का घोल पिलाइए। भाई इसमें से कुछ भी नहीं हुआ मुझे, कहां है ये लोग, इलेक्ट्रॉल मंगाओ भाई। हाँ तो पहले मैं कॉफी पी लेती हूँ, थोड़े से पीनट्स खा लेती हूँ, फिर दवाई खाती हूँ। तो शुरू करें क्या, चलो। अरे यार ये कितना अच्छा है स्पंज, हाँ ये कौन सा वाला है, कौन सी कंपनी का है, बोनीटो। किसी को भी अच्छा स्पंज चाहिए हो तो बोनीटो का ले लो, वेरी नाइस, दिस इज एक्चुअली सीरियसली वेरी नाइस गुड स्पंज। मुझे ये रास्ते से सींग नाने का पैकेट मिला है, आई थिंक 3 रुपए का एक था, कुछ और अच्छा मिला नहीं तो मैं यही खा रही हूँ, कॉफी एंड सींग दाना, गुड कॉम्बिनेशन। शोज में तो मैं अपना मेकअप ऐसे खुद ही करती हूँ हमेशा, शोज में आप लोगों ने देखा होगा मैं खुद ही करती हूँ मेकअप, नोबडी डज इट फॉर मी, लेकिन जब शूट्स की बात आए तो यू नो यू कांट टेक चांसेस, मैंने एक आध बार बहुत खराब मेकअप मेरा हो जाता है, तो मैं ना बहुत पर्टिकुलर रहना चाहती हूँ। अभी देखना जैसे तैयार होंगी ना फेस ही चेंज हो जाएगा, दवाई का असर हो जाएगा ना, मेरा लेंस खराब हो गया, लेंस नहीं मंगवाया मैंने, हाथ में नहीं आ रहे लेंस, मेरे पैर थक गए थे, मेरे पैर सो गए ऐसे से रखे, तो हमने डिसाइड किया, बहुत तिगड़म लड़ाई, कोई कुछ मिला नहीं यहाँ पे रखने के लिए कि पैर को सहारा मिल जाए, तो हमने क्या किया देखो, यहाँ पे ड्रॉर खोला और पैर इसके अंदर रख दिया, ताकि मेकअप के पैर पास में पैर नहीं रख सकते ना, क्योंकि मेकअप पूजा का सामान होता है, तो उसके नीचे रख दिया यहाँ पे, तिगड़म सही लगाती हूँ ऐसा नहीं है, दिमाग चलता मेरा, फिर और मैं वेट कर रही हूँ मेरे लेंस आ जाए, लेंस के बाद एक्चुअल वो पूरा निकल के आएगा, सो जस्ट वेटिंग, बट आई लव इट, अच्छा लग रहा है, बट अभी तो फाइनल बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है मेरे, देखो फेस वेस भी कम हो गया होगा, देखो मैंने गलौड़े मेरे फूल गए थे। और मीनवाइल मैं आपको मिलवाती हूँ मेरी हेयर ड्रेसर, जो कि एक्चुअली बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी मतलब बहुत ही पुरानी, हर नेम इज जयश्री, डांसिंग क्वीन कब हुआ था, 2009 में, 2008 में बिग बॉस किया था, 2009 में मैंने डांसिंग क्वीन किया था, जो शो में जीती भी थी ऑन कलर्स, और वहां पे मैं जयश्री को मिली थी, ये किसी और आर्टिस्ट का हेयर दीपशिका का कर रही थी, हाँ तो वो भी दोस्ती है, उसके बाद मुझे ज्वाइन किया, और उसके बाद हम लोगों ने इतना काम किया हम लोगों ने, फिर डांस संग्राम किया, डांस संग्राम में अविनाश मुझे मिला, मतलब तब तो हमारा कुछ नहीं रहता, बट मैं जज थी उसमें, और जितने भी लड़ाई झगड़े इतना कुछ होता था, तो उसकी ग्रुप में हूं, बाय बाय, काम बाय काम कर रहे हैं भाई, मेरा ब्लॉग भी चालू है, मैं बना रही हूं, बाद में बात करूंगी, चल ठीक है मैं बना लूं। इस रूम का एसी नहीं चल रहा है, तो सबने डिसाइड किया कि बाजू वाला रूम लेंगे, तो अभी हम लोग साथ वाले रूम में जा रहे हैं, सामान उठा लो भाई साहब, अपने अपने टांग टपूड़ा उठा लो, चलो मेरा बैग टांग गया, तेरा नंबर, अरे तो भूत का नंबर होता है, भूतों के रूम में जा रहे हैं, तो आ गए हम भूतिया रूम में, अरे इधर का एसी कितना अच्छा चल रहा है, थैंकफुली आई एम कैरिंग दिस ड्रेस, जो मेरा अपना ही है, वरना आज सॉन्ग में जो फंसते हैं, ऑलरेडी वी आर वेरी लेट, वी आर ऑलमोस्ट डन, बाल खुल रहे हैं, थोड़े लैशेस लगेंगे एंड आई एम डन, सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, कान में, नाक में, एंड माय मेकअप इज डन, और थोड़ा बहुत मैडम मेरे हेयर कर रही है, बहुत लेट हो गए यार, बहुत लेट हो गए, कॉस्ट्यूम ने क्या झोल झपाटा किया ना, वे कॉफी दे यार, कॉफी दो, कॉफी टाइम, एनर्जी नीड, एनर्जी कॉफी चाहिए, कैसी लग रही है लिपस्टिक, अच्छी लग रही है ना, कहा मैं एंटायरली डिफरेंट लुक सोच रही थी, एंटायर लाइक अ वाइट, वाइट में मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ, ऐसा डिजास्टर हुआ कि याद रखेगी दुनिया, थैंक गॉड, अगर मैं आपको अगर पहन के दिखा देती ना तो आप लोग इतना पेट पकड़ पकड़ के हंसते ना वो कॉस्ट्यूम देख के, लेकिन अब नहीं, अब अच्छा लग रहा है, ये कॉस्ट्यूम अच्छा लग रहा है, तो लुकिंग कैसी लग रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, धमाकेदार सॉन्ग है, अगर जो लोग भोजपुरी समझते हैं उनको ज्यादा समझ में आएगा, इट्स गोइंग टू बी अ सुपर हिट सॉन्ग, सो अभी मिलती हूँ आपको, रेडी होके, ऑलराइट
राइट सो दिस इज माय लुक. बहुत ही प्यारा दिया यार इसने, इतना अच्छा लुक दिया ना, समथिंग वेरी डिफरेंट. मैं बहुत टाइम से मैं चाह रही थी कि कुछ डिफरेंट लुक हो एंड दिस इज व्हाट द लुक इज. कैसा लग रहा है? मैं ना मतलब फॉर अ चेंज मैंने मांग टीका भी नहीं रखा, क्योंकि नॉर्मली मांग टीका कहते हैं कि जरूरी है, भोजपुरी गाना है तो, बट जरूरी नहीं है यार, कुछ डिफरेंट करना चाहिए. दो मैंने कान में दिखने में हैवी है लेकिन बहुत ज्यादा हैवी है नहीं है, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं. इट गोज विद द आउटफिट और आई एम फीलिंग रियली गुड. मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है और हेयर भी सुपर हुआ है. सो बिकॉज़ वहां पे फैन भी है, ब्लोअर है, काफी मुंह पे फैन वैन रहेगा. अरे नको नको मत करना, बात तो कर रही थी मेरे को लोगों से, नको दिया वो अक्को दिया वो करती रहेगी. ये मेरी हैवी लैशेस, ब्यूटीफुल आईज एंड दिस इज द लुक. आई जस्ट होप कि ये बाल जो है मेरे टिक जाए, बिकॉज द मोमेंट आई स्टार्ट डांसिंग तो बाल ना ऐसे हो जाते हैं, फिर सडनली मैं डायन भी दिखने लग जाती हूँ. संभावना मरी एक डायन, संभावना एक डायन, संभावना थ्री डायन, डायन संभावना, ये सब हो सकता है मेरे साथ. सो अब ये बीड़ा जयश्री कह रही है मैं उठा रही हूँ कि तुम्हारे बाल एज इट इज ही रहेंगे. ऑलराइट, सो ये है मेरा पूरा लुक. ऊपर से नीचे दिखाओ, नीचे से ऊपर तक दिखाओ, आराम से आराम से आराम. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? आई लव इट, आई लव इट. आज मेरे बाल खुले हैं, आगे से भी, पीछे से भी, ऊपर से भी. चलो आज विल रॉक, छोड़ूंगी नहीं, एक एक को देख लूंगी. पता क्या होता ना, जयश्री और मेरा कैसा काम किया हम लोगों ने साथ में. आज पटना है, वहां से फ्लाइट कहीं और की है, वहां से फ्लाइट कहीं और की है, वहां से फ्लाइट कहीं और की है. घर पहुंचे, सामान चेंज किया, वहां से फ्लाइट फिर कहीं और की है. लाइक एवरी सेकंड डे हम लोगों ने शोज किए हैं बैक टू बैक आफ्टर डांसिंग क्वीन. डांसिंग क्वीन ने मेरे को बहुत कुछ दिया, एक जयश्री भी दी थी. शूट शुरू होना था अभी जस्ट, और बाहर बारिश हो गई और बहुत तेज हो रही है. आई डोंट नो कैसे करेंगे, बहुत तेज हो रही है बारिश. क्या, ओह माय गॉड, ये देखो, ये यहाँ पे शूट होना है और बाहर तेज बारिश हो रही है, और तेज, ओ गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही तेज बारिश हो रही है. और वो ना मेरा सेट, ओ माय गॉड, कैसे करेंगे ये लोग, हे भगवान बरसात रुका दे. अरे ये तो और तेज हो गई. जैसे ही मैंने ऊपर वाले से विनती करी कि बारिश रुका दे, तो बारिश और तेज कर दी, बहुत तेज हो रही है बारिश बाहर. अब यही नाचेंगे रूम के अंदर. तो अभी मालूम पड़ा है कि बारिश खत्म हो गई है, शायद रुक गई है, तो फटाफट वो सेट को बुला रहे हैं. वी ऑल आर लीविंग. चलिए शॉट शुरू होने से पहले क्विक एक बार लहंगा ठीक कर रहे हैं, थोड़ा सा इस साइड के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लहंगा को, ताकि कुछ ऐसा स्टाइल अलग सा आ जाए. देखते हैं बारिश भी अपना बरसा रही है. लाइटिंग शुरू नहीं हो रहा, मैं रेडी हूँ, मी रेडी आए. मंगलमूर्ति ना ऊपर से ना झाड़ का पानी टपक रहा है, हाँ. ऐसा लग रहा है पूरी बारिश आ रही है. जरा कैमरा भी बचा के, ये झाड़ का पानी हमारा झाड़ू ना बना दे मेरे बालों को. 2 मिनट लगेंगे मेरे बालों का झाड़ू बनने में, 2 मिनट. इतनी गर्मी है यहाँ पे, धुल गए सब. इधर इतने पसीने आ रहे हैं ना, इतने पसीने आ रहे हैं कि हालत खराब हो गई है. अब ये पहला शॉट हुआ है और पहले ही शॉट में बाल धुल गए, मेरा मेकअप धुल गया और मैं भी धुल गई. ओह शिट यार, बाल बहुत खराब जा रहे हैं, बहुत खराब हो गए. देखना फैन ऑन करना जरा, थोड़ा स्लो, एक बार रिहर्सल करने दो, हट ना. अच्छा गाना कर रहे हैं पवन के साथ, और पता नहीं कहाँ पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, देखना जरा. कहाँ पवन, खैर पेड़ के पीछे क्या कर रहे थे? अरे यार ये सूट चल रहा है क्या? अरे नमस्ते प्रणाम. अरे ये तो बताओ ना क्या कर क्या रहे थे, मोमेंट याद हो गए कि नहीं? हाँ याद हो गया ना. याद हो गए, बराबर करेंगे अभी? बिल्कुल. मुझे याद नहीं हुआ उसका क्या करेंगे. और जो जूता मारा तुमने, ऐसा जूता पहन के शूटिंग कर रहा है और तेज जूता मारा है, तेज नहीं लगा तो फिर शूटिंग का कोई मतलब नहीं बनता है. अच्छा चलो एक एक और जूता खाएंगे. चलिए रेडी सम्मान जी, रेडी कौन जी, रेडी मोमेंट याद है ना, सम्मान जी ले लेते हैं शॉट, भूल जाएंगे.
अभी पवन जोश में आ गया, पवन एकदम जोश में है। फाइनली एक थोड़ा सा ब्रेक मिला है और मेरे जैसे बाल हमने सेटल किए ना पीछे की तरफ, तो मैं बराबर शूट कर पा रही हूँ। आई वॉज फीलिंग सो बैड, मेरे बाल इतने खराब हुए, तो जितनी मेहनत करी थी वो पानी में चली गई। तो अब दोबारा से जयश्री को टाइम मिला है और मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं बाल पीछे को ले रही हूँ, तो थोड़ी जो मैं बाल पीछे ले रही हूँ ना तो मेरे को थोड़ा बेटर फील हो रहा है। मेरे मूवमेंट्स ना बहुत हैवी होते हैं, मैं बराबर कर नहीं पाती हूँ, मेरे मुँह पे बाल आते हैं और मुँह पे बाल आते हैं ना देन आई गेट वेरी इरिटेटेड, तो वो मेरे फेस पे शो होता है। बट सॉन्ग अब जाके अच्छा हो रहा है, मैं थोड़ा सा टेंशन में थी शुरू में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा लुक सही नहीं आ रहा है, मैं बहुत अजीब सा मुझे लग रहा था। बट पवन भी अभी काफी फॉर्म में आ गया है और मस्ती कर रहा है, अच्छा अब अच्छा शूट हो रहा है, सो आई एम अ लिटिल रिलैक्स नाउ। समय बज गए हैं 3:35, हम लोग ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जहाँ तक मुझे लगता है 6 बजे तक शूट कर सकते हैं, इसके बाद तो नहीं, क्योंकि रात का गाना, दिन हो गया तो फिर फायदा नहीं है। तो वी हैव अनदर 3 आवर्स और उसमें गाना खत्म करना है, सब कुछ झोल झाल डे था टोटल। और ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, मैं आज मेरा इतना दिमाग खराब हुआ हुआ था ना कि मैं शायद ब्लॉग भी ठीक तरह से नहीं बना पाई हूँ, मेरा इतना दिमाग खराब था, वो सो टेंस। शुक्र है फॉर्म में आया ये एकदम, और ऐसा फॉर्म में आया कि अब इसको कोई सुला नहीं सकता। और जाके जो घर पे सोऊंगा तो फिर मुझे कोई उठा नहीं सकता, ये बात फैक्ट है। मैं ये बता दूं, अगर इस मूड में आया है पवन तो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के लिए। ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है, एनर्जी एकदम सेट पे लगी है, सच बोल रहा हूं। तुम्हारे आने से पहले ना मैं एकदम ऐसे हूं, जो मस्ती का तुम्हारा शुरू है ना, नहीं 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 करेंगे, आज ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसके बाद देखो क्या किया। और जब तुम गाना देखोगे ना, ही इज अ रॉक स्टार, आई एम टेलिंग यू, आई जस्ट लव पवन, आई रियली लव पवन दिल से। अगर ये इंग्लिश में तुम ये बोले तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए? तुम भोजपुरी में बोला और अरे करके बात यही करता है और कोई नहीं करता है। ले लो कप, ले लो, ऐसा ही ले लो, ये कुछ सेंसियस सा मूवमेंट करने लगी थी, मेरी कमर पकड़ गई। पवन कैसा लगा? ऐसा लग रहा है कि हम लोग रिक्शा चालक ही हैं क्या? पवन रिक्शे पे लेटेगा और उसके बाद में पवन संडे संभाल लेना। सुबह के और शूटिंग तो अभी भी चल रही है, मेरे अभी भी शॉट्स बाकी है, पवन के आई थिंक 1-2 और हैं और उसका पैकअप हो जाएगा, मेरे अभी बाकी हैं। बट ऐसा जोश है ना मेरे अंदर, जोश कि मैं पूरा दिन आगे भी शूटिंग कर सकती हूँ, मुझे नींद नहीं आएगी, बहुत जोश है और मैं जोश में होश खो बैठती हूँ। फाइनली मेरा पैकअप हो गया और मैं आ गई हूँ रूम में, मेकअप उतारी फटाफट, आई एम वेरी टायर्ड नाउ, अभी घर जाने में मेरे को लगेगा एटलीस्ट 45 मिनट्स। सुबह ऑलरेडी हो चुकी है, घर पहुंचूंगी और नहाऊंगी और सो जाऊंगी। तो आप लोग मुझे ये जरूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंड पे। बाय।